नमस्कार। माँ की हाथ का खाना बिहारी खाना में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे तीसी का चटनी, जिसे अलसी भी कहते हैं। तीसी का चटनी बनाने के लिए हम 50 ग्राम तीसी ले लिए हैं। तीसी को हम अच्छी तरह से साफ कर लिए हैं। अब चूल्हा जला करके एक कढ़ाई हम चढ़ा दिए हैं। कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब हम कढ़ाई में तीसी रख देते हैं और एक ठो लाल मिर्च रख करके तीसी हम भूज लेंगे। तीसी चटकने लगेगा तेज में, चटकना थोड़ा कम हो जाएगा तब हम निकाल लेंगे। भुना हुआ तीसी और धनिया पत्ता, नमक और 4-5 कली हम लहसुन ले लिए हैं पीसने के लिए। अब एक जार में रख करके हम थोड़ा सा पानी रख देंगे और इसका चटनी हम पीस लें। थोड़ा सा पानी रख करके हम एक जार में रख करके चटनी हम पीस लिए हैं। अब हम इसमें नींबू रखेंगे। अब हम एक नींबू लेकर के नींबू काट लिए हैं और जूस हम एक चम्मच में रख करके गाड़ लिए हैं और बीज हम हटा देंगे और नींबू का जूस रख करके हम चटनी मिला लेंगे। आपको जितना खटाई पसंद है उतना रखिए। हम आधा नींबू रखे हैं, रख करके मिला दिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करते समय घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि सबसे पहले वीडियो आप देखें। आलू का चोखा, तीसी का चटनी और सलाद और सत्तू का रोटी के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगता है। तीसी का चटनी बहुत अच्छा बना है। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।